Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Mohsin from Sufijil Marketing. Today we'll be learning about which crypto investment option is the best one for you. अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. वन इज़ अ लमसम अपॉर्चुनिटी एंड द सेकेंड वन इज़ पीओडिक. मेरा मशवरा यह है कि पीओडिक इज़ अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी, बट लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, अपनी सेटअप खुद करें, देखें आपका माइंड सेट, आपकी स्किल्स किस चीज़ के लिए आपको कहते हैं कि भजन ये बेहतर है. अब मैं ही क्यों कहता हूँ कि पीओडिक जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो उसके लिए अभी हम आगे बात करते हैं. बट बिफोर वी गेट इन टू इट, लेट मी शो यू समथिंग ऑन अ वेरी गुड वेबसाइट. वेबसाइट का नाम है coastavg.com. ये मैं coastavg.com पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करेंसी बताता हूँ कि मैं US डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. फिर मैं बताता हूँ कि मैं लेना क्या चाहता हूँ. मैं लेना चाहता हूँ बिटकॉइन. बिटकॉइन मेरी फेवरेट है, दूसरी करेंसीज भी हैं इथेरियम में, बिटकॉइन से मैं, बट बिटकॉइन एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है. एक इन द एसेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ना, अगर मैं किसी क्रिप्टो करेंसी को कहूँगा तो वो बिटकॉइन है. अच्छा, अब तारीफ होने के बाद बिटकॉइन को मैं, अब आगे क्वेश्चन है कि मैं इसे कितने टाइम के बाद इसमें बार बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आई से कि मैं हर मंथ के बाद इसमें 100 US डॉलर जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मेरी जो मंथ के आखिर में 600 USD में बस बच जाता है, तो 600 में से मैं 100 US डॉलर जो है ना रेगुलरली मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ 11220 से और एंड करता हूँ 10/16/2021 तक. ठीक है, एक्सचेंज फ़ी भी लगती है. अगर मैं कॉइन बेस के जरिए कहूँगा तो 0.5% लगेगा, बाइनेंस के ऊपर कहूँगा तो 0.1% पड़ेगा, और क्रैकन पे कहूँगा तो 0.26% पड़ेगा. लेट्स गो विद बाइनेंस एंड आई कैलकुलेट दिस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. ये जो मेरी वेबसाइट है coastavg.com, ये कैलकुलेट करेगी कि मैंने इसमें क्या इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया और मुझे एट द एंड उससे क्या फ़ायदा हुआ. चलिए हम उससे एक बार इन्वेस्टमेंट के सामने को देखते हैं. टोटल मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे, 100 US डॉलर. क्या रेंज थी ये, टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया, 2200 रुपया ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. 2 साल के अंदर जब मैंने 2 साल के इन्वेस्टमेंट लगाए, मैंने टोटल इसमें इन्वेस्ट कर दिए 2200 US डॉलर. अब टोटल बिटकॉइन मैंने कितना परचेज़ किया, 0.1500 इसका टोटल बिटकॉइन मैंने ख़रीद लिया है. उस वैल्यू क्या होगी इस बिटकॉइन की, अभी 9162.25, विच इज़ हाउ मच मोर देन दिस, जस्ट लुक एट दिस नंबर्स. तो कोस्ट एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 6962 रुपये का, इन इंग्लिश 6962.25 मेरे कोस्ट एवरेज प्रॉफिट हुआ है. रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट 316.47%. जो एक्सचेंज की फीस पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं 2.20 US डॉलर की, और एवरेज परचेस प्राइस कितनी पड़ रही है इसकी, वो पर बिटकॉइन की हुआ है 1464. अगर मैं इस वैल्यू पर जाता तो ये आधा हो इंक्रीज हो जाता. करंट प्राइस जो है वो इसकी ये चल रही है. ऑन द अदर हैंड अगर मैंने इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो ये 2200 जो है वो बिटकॉइन की हमें परचेस हो जाता 0.304322%, और इसका लम सेल वैल्यू उसकी होती 18604 वैल्यू. इसका प्रॉफिट मुझे होता 16406 रुपये का, और इसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता 746% का. अब इन दोनों फिगर्स के अंदर ये वाले की नस्बत इस वाले में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसमें आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रहा है. बट वी ऑल्सो नीड टू टेक इन ग्रांटेड कि इसमें लॉस की बात नहीं हो रही है, इसमें प्रॉफिट की बात हो रही है. अगर मैंने ये जो डेट्स दी हैं इनमें अगर मैंने लॉस वाली डेट्स फीड की होती तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट की जगह लॉस में प्रॉफिट की जगह लॉस में जा रहे होते. तो वी नीड टू टेक दिस इन टू कंसिडरेशन एज वेल. अगर आपकी पीरियोडिक होगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, बट आपका लॉस भी कम होगा. प्रॉफिट मार्जिन आपका एक अच्छा रह जाएगा, लॉस कम हो जाएगा. अदर हैंड अगर आप लमसम करते हो तो प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, बट इसका रिस्क भी ज़्यादा होगा. तो इन दोनों बातों को आपको देखना पड़ेगा आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं. लेट्स लुक एट दिस ग्राफ एज वेल. ये जो पिंक वाला लाइन है ना, ये लमसम की है, रेड वाली जो है, और जो ग्रीन और ब्लू वाली है ये है कोस्ट एवरेज यानी कि पीरियोडिक की. अब जैसे देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, राइट, अब वो इन्वेस्टमेंट जो है आगे मिनिमाइज होती जा रही है.
बट जो उसकी इन्वेस्टमेंट का मुझे फ़ायदा हो रहा है बिटकॉइन की वैल्यू का, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, फिर डिक्रीज़ हुआ बट फिर इंक्रीज़ हो गया, राइट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता तो मार्जिनल जो इन्वेस्टमेंट थी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ब्लू लाइन में हम देख सकते हैं, और उसका प्रॉफिट जो आना शुरू हुआ है वो आफ्टर द सेम पीरियड बट लोअर रेंजेस में आ रहा है मुझे। आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब इसी ग्राफ पे भी एक नज़र देख लेते हैं इसकी, अगर हम वन बाय वन देखें तो हम ये देखें ये ग्रीन वैल्यूज़ में हमें क्या इसके प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या उसकी ओपनिंग थी, क्या क्लोजिंग थी, और हम कहाँ कहाँ पे फ़ायदा करिए, कहाँ पे नुकसान किया है। तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हमें कॉस्ट एवरेज के ऊपर क्या फ़ायदे हैं, और क्रिप्टो पे अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो हमें क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। चलें, होपफुली हमने यहाँ तक जो बातें की हैं आप सबको समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो पूछेगा आगे इसी प्रेजेंटेशन को मज़ीद पढ़ते हैं। पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट एंड रोलर कोस्ट एवरेजिंग के अंदर कोस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी आप क्रिएट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर जो एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है एक गिवन इन्वेस्टमेंट की, जैसे बिटकॉइन हो गया या कोई और क्रिप्टो करेंसी हो गया, एक रेगुलर बेसिस पे चाहे वो वीकली रख लो, मंथली रख लो, उस पर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट को आप जनरली तौर पे ना ईच एंड एवरी मंथ आपसे रेगुलरली जिस लाइक क्लॉक वर्क ना आपने से लगाना होता है आपसे, ये नहीं है कि एक महीने लगा लिया, नेक्स्ट महीने आपने छोड़ दिया, फिर उसके अगले महीने लगा लिया, आपने एक पीरियड सोच लिया, आपने उस पीरियड बाद उसमें उस सर्टन अमाउंट वो जो आपने आगे पहले डिसाइड कर लिया वो आपने वापस लगानी होगी। और इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में आप पीरियडिक इन्वेस्टमेंट या फिर डॉलर कोस्ट एवरेजिंग के लिहाज से, कोस्ट एवरेजिंग के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो राइज करती है तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की होती है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल सोचा है कि मैं हर मंथ में ना $20 का बिटकॉइन लूँगा, जिससे मैंने पहले $100 की बात की थी, तो अगर बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज कर दी है ना तो मैं कम बिटकॉइन खरीदूँगा, हो गए मैं फिर मुझे जो प्राइस ऑफ बिटकॉइन और डिक्लाइन होती है मैं फिर भी $20 का ले रहा हूँ तो मगर मुझे बिटकॉइन ज़्यादा मिल जाएगा। तो इससे क्रिप्टो जो हाईली वोलेटाइल है ना, इन्वेस्टिंग इस तरह से आपका रिस्क जो है लॉन्गर टर्म के अंदर वो फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको रिस्क मार्जिन जो है बहुत कम हो जाता है इससे। मगर अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आपको इससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो आप एक लार्ज सम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे आपकी कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो उसके लिए थोड़ा सेफ तो अनसेफ है, बट ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो वाइज कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि पीरियडिक इन्वेस्टमेंट क्यों बेहतर है, ये अगर आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन करें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तो उसके लिए बेहतर है। कुछ लोगों के पास एक अच्छी वाली अमाउंट होती है इन्वेस्ट करने के, कुछ लोगों की मंथली कुछ कुछ बचता है वो जो रेगुलरली इन्वेस्ट करें, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है। तो आपके पास क्या मार्जिन है, आपके पास ज़्यादा लमसम वैल्यू जो आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या उसे आप स्प्रेड आउट करना चाह रहे हैं, या फिर आपको रोज़ाना महीने के महीने सैलरी मिलती है, सैलरी से एक सर्टन अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो मार्केट की टाइमिंग का इशू होता है ना, वो इशू भी रिजोल्व हो जाता है, आपकी जो कॉस्ट होती है ना सिक्योरिटीज़ की डिक्लाइन भी हो रही हो तो आपका नुकसान कम हो रहा होता है, इसलिए ये इस चीज़ का ये भी फ़ायदा है। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, बेसिकली दो किस्म की एक्सचेंजेस होती हैं, एक होती है फियाट एक्सचेंजेस और एक होती है नॉन फियाट एक्सचेंजेस। फियाट एक्सचेंजेस बेसिकली ऐसी एक्सचेंजेस होती हैं जिनके अंदर आप कैश बैंक के जरिए या किसी और के जरिए देते हैं और आप क्रिप्टो से खरीद ले सकते हैं, और इस तरह के ट्रेड्स को हम फियाट एक्सचेंज कहते हैं। ज़्यादातर एक्सचेंजेस जो है ना वो उनमें आप पेयर ट्रेड करते हैं, जैसे कि US डॉलर टू बिटकॉइन या यूरोपियन टू बिटकॉइन, इसमें आप मैंने ये कैश देंगे उस कैश के बदले में आपको बिटकॉइन डायरेक्टली मिल जाएगा, फिर आप उस क्रिप्टो से मज़ीद कोई और क्रिप्टो खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप बिटकॉइन को विदड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट के जरिए। इसकी कुछ फेमस एक्सचेंजेस की मैंने नीचे एग्जाम्पल दी है, बाइनेंस है, क्रैकन है, कॉइन बेस है। इसके मैंने पहले देखा था कि बाइनेंस 0.1% लेता है, कॉइन बेस जो है 0.25 आई थिंक लेता है, 0.5% लेता है, और क्रैकन जो है ये लेता है आपका 0.234 आई थिंक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सो जिससे हमने फियाट एक्सचेंजेस है उससे नॉन फियाट एक्सचेंजेस भी हैं जो प्योरली क्रिप्टो टू क्रिप्टो काम करती हैं। ये एक्सचेंजेस जो हैं सिर्फ आप इसमें क्रिप्टो करेंसी आपके पास वॉलेट मौजूद होनी चाहिए, फिर आप क्रिप्टो मजीद खरीद सकते हैं, और इसमें आप कोई पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते बैंक के जरिए।
बिटकॉइन का मेन ट्रेडिंग करेंसी है उसके जरिए, जैसा आप आमतौर पे जो नॉर्मल करेंसी है उनमें यूएस डॉलर होता है ना, तो इसका मेन जो ट्रेडिंग करेंसी है वो बिटकॉइन है। उसे आप पेयर्स खरीद सकते हैं और क्रिप्टो में एक्सचेंज कर सकते हैं। इन एक्सचेंजेस को ज़्यादातर वर्चुअल एसेट्स की शक्ल में लिया जाता है, उसमें रेगुलेशन जो होती है बहुत कम होती है, जिसकी मदद से ना आपकी जो रिस्की क्रिप्टो एसेट्स हैं वो भी इसमें एक्सचेंज हो रहे होते हैं। सो लाइक आई हैव ऑलवेज से रिसर्च बिफोर बी अवेयर, और फिर आप उन चीज़ों को आपस में ट्रेड आउट करते हैं। इस तरह हमारा आज का कोर्स जो है कम्प्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर से मज़ा आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो जूम में से रब्ता कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुफी डिजिटल मार्केटिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।